लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये गांव वाले रास्ते पे इन जंगलों के रास्ते से कहां जा रहा हूं, तो हाँ मैं जा रहा हूं एक जगह पे जो कि एशिया में सिर्फ एकमात्र है। जी हाँ, एशिया में सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह है जिस जगह पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली वैसे आपको जगहें बहुत सी मिलेंगी, लेकिन वहां पे जो सिस्टम काम कर रहा है वो पूरे एशिया में सिर्फ और सिर्फ एक है। तो फिलहाल मैं रायपुर से निकल चुका हूँ और अभी कुछ काम से मैं अपने गाँव की तरफ आया था। और जैसा कि जिस जगह पे मैं जाने वाला हूँ वो जगह है धमतरी के पास, ठीक है। तो धमतरी यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी है और जिस जगह पे मुझे जाना है वो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गांव के रास्ते थोड़े खराब, लेकिन जो भी होगा जैसा भी होगा बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि मुझे भी पहली बार पता चला कि भाई ऐसा भी है यहाँ अंग्रेजों के जमाने का, एशिया में सिर्फ एक। ठीक है चलिए, हम पहुंच चुके हैं धमतरी। रायपुर से लगभग 70 किलोमीटर और धमतरी रोड से आप आते हैं तो आपको पड़ेगा 60 किलोमीटर। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे राइट साइड में धमतरी का बस स्टेशन, और आगे जाने के बाद सिहावा रोड पे आपको जाना है। सिहावा रोड आप पकड़ेंगे, वहां से लेफ्ट पे आगे एक जो पहला सर्कल आता है उस जगह से ही आपको लेफ्ट ले लेना है सिहावा रोड के लिए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। धमतरी से हम लोगों ने ले लिया है लेफ्ट और यहाँ से हमें जाना है लगभग 24 किलोमीटर और 24 किलोमीटर के पहले देखिए रास्ते में कितनी प्यारी नदी पड़ती है। ये है महानदी जो कि इस वक्त पूरी तरह से सूख चुकी है और बहुत ही प्यारी नदी है। और ये पुल जो है ये भी काफ़ी बड़ा है, लगभग 800 मीटर्स का ये पुल है महानदी के ऊपर जो इस वक्त बना हुआ है, ये जिसपे हम इस वक्त चल रहे हैं। और इसके अलावा महानदी के साथ एक और स्टोरी मेरी जुड़ने जा रही है जो कि स्टोरी शूट भी होगी लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है। उसके भी वीडियोस आप लोगों को देखने मिलेंगे और ये सिर्फ मैं जो मैं ये करने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए करने वाला हूँ। एक्चुअली ये आइडिया मेरे दिमाग में आज ही आया था, और क्या आइडिया है कैसा आइडिया है ये सारा कुछ तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा जब मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा और वीडियोज़ डालता रहूँगा और आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। तो वीडियोस के जो थोड़े से कॉन्सेप्ट थे वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अब मैं वीडियो जहाँ भी बनाऊंगा पूरे डिटेल्स पे बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और आगे जा करके 13 किलोमीटर के बाद हमें ले लेना है राइट। जी हाँ, ये है एक विश्राम गृह, ठीक है। अब यहाँ से मुझे जाना है राइट साइड में। आप लोग बहुत से लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इस वक्त। यहाँ से मैं लूंगा राइट मुरुम और रास्ते देखेंगे आप लोग, काफी ज्यादा शानदार है, काफी ज्यादा खूबसूरत है। सिर्फ 2 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। लगने है तो मुझे 10 से ज्यादा मिनट वाले हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट में पता चल जाएगा क्योंकि वीडियो बन रहा है। चलिए, ये गांव है यहाँ मारदापोटी। जब यहाँ से आप ट्रेवल करते हैं बहुत ही एक सुंदर घाट मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और ये यहाँ के देवी देवता है जो सारे इस वक्त आप जो देख रहे हैं, सरगम रामधुनी मंडली नवाबिहान वैद्यराज व्हाटएवर जो भी है। और यहाँ से बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा आपको घाट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि उस घाट पे ज़्यादा कर्व्स नहीं होंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बहुत ही प्यारा घाट है, मतलब पूरा जंगलों से घिरा हुआ घाट है, बहुत ही शानदार व्यू बनता है। और बाइकर्स अगर इस रास्ते पे आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बाइक चलाने के लिए रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, बाइक चलाने में मज़ा भी आएगा, कर्वी रोड्स भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल अगर आप इस रास्ते से दुधावा जाना चाहते हैं तो दुधावा बांध जो है जो कि यहाँ से 38 किलोमीटर है। ठीक है, घाट
हमने अभी रास्ता छोड़ दिया है, अगर हम उस मेन रोड पे जाते तो हम सीधे दुधावा निकलते, और अभी हम एक अंदर के रास्ते पे घुस चुके हैं। रास्ते काफी अच्छे बने हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत ही प्यारा नया नया रास्ता है और बहुत ही शानदार भाई साहब। चलिए चल करके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस वेलकम टू मॉडर्न सिल्ली डैम। जी हाँ, एशिया का एकमात्र ऐसा डैम है ये, इस डैम को कहा जाता है एशिया का सिर्फ ये एकमात्र ऐसा डैम है जो कि साइफन सिस्टम के साथ है। जी हाँ, साइफन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि पानी का लेवल जो है ऑटोमेटिक ऊपर होने के बाद इसके जो गेट्स होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, और जैसे ही पानी का लेवल डाउन होता है इसके जो गेट्स हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो ये जो साइफन सिस्टम है ये अंग्रेजों के ज़माने का, ठीक है, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे ये साइफन सिस्टम बना था, और काफ़ी सुंदर डैम है। जैसा कि डैम हमेशा से ही खूबसूरत होते हैं तो ये भी उनमें से एक डैम है, काफ़ी खूबसूरत है। तो अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो इस जगह पर लगभग 34 साइफन है, 34 साइफन सिस्टम लगे हुए हैं, जिसके अलावा 24 सब साइफन लगे हुए हैं। जी हाँ, 34 मेन साइफन है, उसके अंदर पे 24 सब साइफन लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर और लगभग 100 साल पुराना ये डैम है जिस डैम पर, जी हाँ, इस वक्त हम जिस डैम पे हैं ये लगभग, ये देखो गूगल आंटी अभी भी चिल्ला रही है, अभी हम जिस डैम पर हैं ये 100 साल पुराना डैम है, ठीक है। इसके अलावा इसकी और भी कहानियां हैं, मतलब इसका जो निर्माण हुआ था लगभग 1914 से लेकर के 1924 के बीच में इसका निर्माण चालू हुआ था, और बहुत ही प्यारा है, देखिए सामने का व्यू। इसको अपन मुरम सिल्ली डैम और बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव डैम भी कह सकते हैं। इसका नामकरण हुआ है बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम से। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने ये सारी चीज़ हैं उन्होंने ये घोषणा की है। सिलियारी नदी पर ये जो है डैम बना हुआ है, और इसके अलावा पीछे का व्यू अच्छा है, सिलियारी नदी पर ये डैम बना हुआ है। ये जो नदी है आपकी महानदी की सहायक नदी भी कह सकते हैं, क्योंकि महानदी पे मिलती है जा करके। और ये जो डैम बनाया था इसका मेन उद्देश्य ये था, मेन यूज़ ये था इसका कि पानी की सिंचाई, इरिगेशन के लिए सबसे बेस्ट था, और इरिगेशन के लिए ही इस डैम का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर करवाया गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ गेट्स वगैरह बने हुए हैं, इसके अलावा आगे भी गेट्स हैं। और इसकी एक और कहानी कही जाए तो छोटे लाल श्रीवास्तव, जी हाँ, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम पर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तब वो यहाँ से इरिगेशन के लिए जब पानी की सिंचाई होती थी तो उसमें भी उन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। तो बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव ने किया ये कि उन्होंने यहाँ के गाँव वालों के साथ मिल करके एक आंदोलन किया, जिसमें वो चाहते थे कि यहाँ से टैक्स फ्री हो जाए, पानी की सप्लाई आराम से हो, लेकिन एक आंदोलन किया गया, और जिस आंदोलन के बारे में जब महात्मा गांधी को पता चला कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा आंदोलन चल रहा है, तो महात्मा गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद वो इस मूवमेंट में भाग लेंगे, इस मूवमेंट में हिस्सा बनेंगे। लेकिन तब हुआ ये कि जब अंग्रेजों को ये बात पता चली कि भाई ये भी आने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, टैक्स फ्री कर दिया, मतलब जाइए आप पानी ले लीजिए, फ्री पे पानी ले लीजिए, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नाम पर रखे। तो अगर आप मुरम सिल्ली डैम को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव डैम भी कहते हैं तो ये कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। इसकी दूरी जो है लगभग रायपुर से 95 किलोमीटर है, और इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे डैम के स्ट्रक्चर्स हैं, डैम तो आप लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ पर सिर्फ एकमात्र है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक अलग बात है, और बहुत सी बातें हैं। फिलहाल देखते हैं वहाँ पे बीच में कुछ ऐसा बना हुआ है, वो शायद मछली पालन के लिए लोग उसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको नीचे कुछ ऐसे गार्डन्स वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे, वहाँ पे कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं, काफ़ी सुंदर यहाँ पे का माहौल है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है, सारा कुछ यहाँ पे है। नीचे जाने के लिए वहाँ पे स्टेयर्स भी बने हुए हैं, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, वहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। तो जी हाँ, आप पीछे जो ये देख रहे हैं ये है साइफन सिस्टम, ठीक है। साइफन सिस्टम ऐसा होता है कि जब आप पानी का जो लेवल है उस साइड से, ऑपोजिट साइड से जब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो साइफन जो गेट्स होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद जब पानी का लेवल डाउन होता है तो फिर वो गेट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं यहाँ पे साइफन सिस्टम्स, जो कि यहाँ पे लगभग 34 हैं और इनके अंदर पे भी सब साइफन्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हल्के हल्के छोटे छोटे दिखेंगे आपको, यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। और काफ़ी सुंदर यहाँ पे, और ये जो है ना एशिया का सबसे पुराना साइफन सिस्टम है, एशिया का सबसे पुराना और पूरे एशिया में एक ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे पुराना है एशिया में एक ही है। अभी फ़िलहाल एक आध जगह पे कहीं और बना होगा तो बना होगा, लेकिन एशिया में सबसे पुराना साइफन सिस्टम यही है, छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले के माडमसिल्ली बांध में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार। अभी चलिए, अभी यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है और उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे, वहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की है, और चलिए जो भी है आपको दिखाते हैं। इतना महंगा क्लाइम करना होगा, वहाँ से स्टेयर्स बने, लेकिन वहाँ से हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हमें तो चुलक चढ़े रहती है कि हम ऐसे ही रास्तों से ऊपर चढ़ें। चलिए, तो यह बाहर जाने का रास्ता, और गंदगी लोगों ने काफ़ी फैलाई है, ऐसा मत करो यार। क्या कहते हैं अगर यहाँ का ड्रोन शॉट मिल जाए तो? अगर आप लोग चाहते हैं मैं एक ड्रोन ले लूँ, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और सपोर्ट भी कर दो यार थोड़ा ड्रोन वोन लेने के लिए, ठीक है। चलो अभी चलते हैं यहाँ से। देखिए क्या होता है साइफन, उसका स्केच यहाँ पे दिया गया है, स्केच ऑफ बी टाइप ऑन साइफन, ठीक है। बी टाइप साइफन है यहाँ पर, ए टाइप अलग था, ये बी टाइप साइफन का यहाँ पर आपको वो दिया है, स्केच दिया हुआ है। अलग अलग गेट्स होते हैं यहाँ पे, देखिए ये सारे जो हैं अलग अलग दिख रहे हैं, और इसके अलावा स्लोप दिया हुआ है यहाँ पे, टॉप एयर वेंट दिया हुआ है वहाँ पे, स्लोप 2 एंड 1, मतलब अलग टाइप के। ये बी टाइप का है, और ये जो दिया हुआ है ये देखिए, ये दिया है स्केच ऑफ ए टाइप साइफन ऑफ बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव रिजर्वायर मुरुमसिल्ली डैम, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 31 दिखा रहे हैं, और वहाँ करूँ मिला करके 34 हो जाते हैं लगभग, ठीक है। तो टॉप ऑफ एयर वेंट, ये मतलब स्टार्टिंग ऊपर का जो दिखता है, ऊपर में जो अपन ने स्ट्रक्चर्स देखा था ये उसका है, और उसके अंदर का होता है ये। चलिए चलते हैं जी। हाँ, तो यहाँ से हम निकलते हैं, अब हमें जाना है वापस से गाँव, लेकिन मैंने आपको बता दिया है भाई 95 किलोमीटर रायपुर से पड़ते हैं, धमतरी से लगभग 26, 27, 28 किलोमीटर धमतरी से पड़ता है। और अभी अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए थे, जिनकी वजह से यहाँ पे रास्ते भी बन गए और बहुत सारा काम भी हो गया। और यहाँ पे अगर आते हैं तो पीछे एक गेस्ट हाउस भी है, जहाँ पे आप लोग चाहें तो रुक सकते हैं, लेकिन वो गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आपको चाहिए होगा अप्रोच, मेरे को मत बोलना, मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है। बाकी देखो छत्तीसगढ़ से आ रहे हो तो मैं ज़रूर करवा दूँगा लेकिन पैसा लगता है, ठीक है। यहाँ पर रोड्स के काम अभी भी चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गांव भी है, घर भी है, छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे, और आपसे अब हम मिलेंगे सीधे हाईवे पे घाटी के बाद। जी हम वापस से गांव पहुंच चुके हैं, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि भाई साहब बहुत रिसर्च की थी मैंने इस जगह के बारे में। और आई होप आप लोगों को अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी से जुड़ने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।